सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? ए बी और सी पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते हैं? 1/2, 3/10 और 1/5। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट 5% रिस्पेक्टिवली कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल लगा रखे उसके ऊपर क्या देना है? 5% इंटरेस्ट देना है। ए बी और सी, ये उनकी कैपिटल दी हुई है, लिखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट कितना है? 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। ए की कैपिटल दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है। अलाउइंग बी एंड सी सैलरी 5000 ईच, दोनों को सैलरी देनी है। उसके बाद बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ए हैज ड्रॉ, कितना ड्रॉ किया है? 10,000। बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी कितना ड्रॉ किया है? 2500 और 1000। तो ए ने ड्रॉइंग की है 10,000 और बी और सी ने कितने की है? 2500 और 1000। लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को 45,000, 45,000। और ये जो प्रॉफिट दिया है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की गई तो हम प्रोवाइड कर देंगे। पार्टनर को भी सैलरी नहीं काटी गई, अच्छी बात है, हम काट लेंगे। लिखा है 1 अप्रैल 2014, लिखा है ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, बैलेंस इन करंट अकाउंट, तो यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स है क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। पार्टनर का क्या दिया हुआ है? ए के क्रेडिट में दिया है, बी के भी क्रेडिट में दिया है, लेकिन हाँ सी के भी किस में दिया है? क्रेडिट में दिया है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग अगर कोई करता है पार्टनर उनसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है करंट अकाउंट के बैलेंस में। ठीक है, शो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2015 को, आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए है पार्टनर, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। फर्स्ट को कितना है? 1/2, सेकंड को कितना है? 3/10 और फोर्थ को कितना है? 1/5। तो सबसे पहले बेस कॉमन कर लेते हैं, 10 बेस है तो हम क्या कर लेते हैं? 5/5 कर लेते हैं, यहाँ तो 10 है ये, यहाँ कोई जरूरत नहीं है तो 1/1 कर लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 2/2, तभी 10 बन जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 5/10, यहाँ कितना हो जाएगा? 3/10 और यहाँ कितना आ जाएगा? 2/10। ठीक है, तो रेशियो क्या बन जाएगी? 5:3:2, ये हमारे पास पार्टनर की रेशियो हो जाएगी। पार्टनर कौन है? ए बी और सी, और इनकी कैपिटल कितनी है? 50,000, 30,000 और 20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पार्टनर का नाम। पार्टनर कौन है हमारे पास? पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। पार्टनर ए बी और सी, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। ठीक है, ब्रॉट डाउन यहाँ पर दो अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नीचे कौन सा बना लेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखोगे आप? 50,000, नेक्स्ट में 30,000, नेक्स्ट में कितना आ जाएगा आपका? 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है बी और सी को सैलरी देनी है 5,000। ठीक है, दे देंगे भाई, हमारे कौन सा घर से जानी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू सैलरी, किसको देनी है? ये बी को देनी है और सी को देनी है, बी को और सी को, कितनी? 5,000 और ये 5,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बी डी, ब्रॉट डाउन, खाली छोड़ दें अगर कुछ बैलेंस हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी कितनी देनी है? 5,000 बी को देनी है, 5,000 सी को देनी है, 5,000 और इसको भी 5,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए हैज ड्रॉन, कितना निकाल लें? इन्हें निकाल लें 10,000, निकाल देंगे। ए की ड्रॉइंग कितनी है? 10,000। उसके बाद कहता है बी और सी ने क्या निकालने हैं? एडिशन टू देयर सैलरी, सैलरी भी निकाल ली और उसके अलावा भी निकालने हैं, कितने निकालने हैं? 2500 और 1000। तो सैलरी कितनी मिलनी थी इनको? 5,000, 5,000, तो इसने निकाल लिए 5,000 से एक्स्ट्रा 2500 और इसने निकाले 1,000, तो ये कितना देंगे? 5 और 2 7,500। ठीक है,
और सी ने कितने निकाले, 1000, ये 5000, ये निकाल लिए इसने 6000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, शो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारे को, 45000, कोई हमारे को लोन नहीं मिला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 45000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 5%, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी को और ये सी को। ठीक है, कितना देना है, 5%, तो 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो काट दो, चलो दो जीरो काट दो, सीधा एक निकाल लेते हैं, ये दो जीरो काट दी सभी की। ठीक है, कितना आ जाएगा, सिर्फ 1% आ जाएगा, हमें कितना चाहिए, 5%, तो 2500 आ जाएगा फर्स्ट का आ जाएगा 2500, सेकंड का कितना आ जाएगा, 1500, थर्ड का कितना आ जाएगा, 2 1000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 1 5, 5000 आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5000, 1.5000 और ये कितना हो जाएगा, 1000। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं हमारे को, क्रेडिट बैलेंस कितना है, 4500, 4.500, सेकंड कितना दिया है, 1500, 1.500, थर्ड कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक है, दे देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट कहता है ड्रॉइंग के ऊपर चार्ज नहीं करना, नहीं करेंगे भाई करंट अकाउंट के अंदर, कहता है सारा कुछ जो भी आपने किया है उसको डिवीजन कर दो प्रॉफिट्स के रेशियो में, कर देंगे भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 45000, और यहाँ कितना आ जाएगा, 45000, यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैप, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर डील करेंगे, करंट अकाउंट बनाया हुआ है, ए बी और ये सी। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 45000, 45 में से 15 गया तो कितना रह गया, ये 30000, और अगर 30000 रहा है तो इसमें से हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10, तो ये कितने से करोगे, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 3000 एक हिस्से में आएगा, तो इसको कितने देने हैं, 5 हिस्से, तो ये कितना चला जाएगा, इस ए के पास 15000, बी के पास कितना चला जाएगा, 9000, सी के पास कितना चला जाएगा, 6000, और टोटल कितना हो जाएगा, ये 30000। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना आया, 15000। ठीक है, सेकंड में कितना आया, 9000, थर्ड में कितना आया, 6000, टोटल कर लेते हैं, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, +1 13000। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 13000। ठीक है, और यहाँ 13000 में से आप 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7000, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन। नेक्स्ट कहता है ये कितना है, 15000 +5 20, 20 प्लस 15 ये हो जाते हैं, 20 प्लस ये है 1.5 है। ठीक है, तो ये कितना था, 15 नहीं है, ये क्या है हमारे पास, 1.5000 है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 1.5 प्लस 1.5 ये कितना हो जाता है, 3, 3 और 5 कितने हो जाते हैं, 8, और 8 और 9 कितने हो जाते हैं, 17000। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 17000। ठीक है, यहाँ कितना है, 7.5 है, तो कितना आ जाएगा, 9.5000। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कितना है, 4.5, ये 4 और 2 6, और ये 7, 7 और 15 ये कितने हो जाते हैं, 22, 22000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा, 22000, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10000 माने माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12000, और यहाँ क्या लिखोगे आप, टोटल करोगे इसका। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 50000, यहाँ 30000 और यहाँ 20000, यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, यहाँ टोटल करो, टोटल कितना आएगा, 50000, यहाँ कितना आएगा, 30000 और यहाँ कितना आएगा, 20000, यहाँ 20000, यहाँ 30000 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 50000,
तो ऐसे आपने क्वेश्चन में ट्राई करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।